Hello everyone. So today we'll start with the input and output impedance of a voltage series feedback amplifier. Now last class में हमने already देखा था what is a voltage series feedback amplifier. वो amplifier जहाँ पर हम voltage series feedback connection को use करते हैं, उस amplifier को हम voltage amplifier या voltage series feedback amplifier कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इस एम्पलीफायर के लिए जब हमने वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया था, सो आउट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक था, दैट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। पॉजिटिव फीडबैक जो है उसको हम यूज करते हैं इन ऑसिलेटर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर की, जहां पर जो हमारा फीडबैक होगा दैट विल बी द नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम देखेंगे द इनपुट इम्पीडेंस। नाउ जब हमने कोई फीडबैक अप्लाई नहीं किया, देन इन दैट केस हमारा जो वोल्टेज गेन होता है एम्पलीफायर का, वो क्या होता है, A इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई, जहाँ पर हमारा वी आई जो है वी एस के इक्वल होता है। यूजुअली वी आई जो है, जब हम फीडबैक अप्लाई करते हैं, इट बिकम्स वी एस प्लस वी एफ, वेयर वी एफ इज बीटा वी नॉट। बट यहाँ पर हम वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं एम्पलीफायर का इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक, जब हमने कोई फीडबैक अप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स वेन वी एफ इज जीरो। सो इन दैट केस आर वोल्टेज गेन विल बी वी नॉट अपॉन वी आई, वेयर हमारा वी नॉट जो है इट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट वोल्टेज, जो वी आई है हमारी दैट इज द इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज, और जो वी एस हमारा होता है दैट इज द इनपुट सोर्स वोल्टेज। नोटेशंस हम वही यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में यूज करी थी। इस डेरिवेशन को समझने के लिए जो है एक बार लास्ट क्लास को देखना बहुत जरूरी है। जब तक इसका लास्ट लेक्चर नहीं देखोगे, जो जस्ट इससे प्रीवियसली अपलोडेड है, जब तक उस लेक्चर को नहीं देखोगे ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले एक बार हमारा ये ब्लॉक डायग्राम देख लो वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट का। तो देखो जो ये हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, इसका गेन कितना है, वी नॉट अपॉन वी आई। हियर कैपिटल ए जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक। फिर हमने फीडबैक सर्किट जो है वो लगाया, दिस इज अ वोल्टेज फीडबैक सर्किट, जो पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज है और जो फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज है दैट इज नाउ कंबाइंड विद द इनपुट। सो आवर इनपुट वी आई जो है इट विल बिकम नाउ वी एस प्लस बीटा इन टू वी नॉट, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक दिस बीटा वी नॉट टर्म विल बी जीरो एंड वी आई इज सिंपली वी एस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक वी कैन नॉट इग्नोर दिस टर्म। हियर बीटा जो है इट रिप्रेजेंट्स द फीडबैक फैक्टर, ठीक है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। नाउ वी विल फाइंड द इनपुट इम्पीडेंस विद वोल्टेज सीरीज फीडबैक। जब हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे द इनपुट इम्पीडेंस। स्पेलिंग को ठीक करना, इम्पीडेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। Now, let's say हमारा जो ZI है, that is representing the input impedance without any feedback, और जो Z naught है हमारा, this is representing the output impedance without any feedback. तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जब हम फीडबैक लगा देंगे, जब हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक लगाएंगे, तो उस केस में इनपुट इम्पिडेंस में क्या चेंज आएगा और आउटपुट इम्पीडेंस में क्या चेंज आएगा। वी विल नाउ सी द चेंजेस इन जेड आई एंड जेड नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेड आई में क्या चेंज आता है, दैट मींस द इनपुट इम्पीडेंस विद वोल्टेज सीरीज फीडबैक। और हम कौन सा फीडबैक कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द नेगेटिव फीडबैक। सो लेट्स से बीटा जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर, और हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या है, वी एफ, दिस इज इक्वल टू बीटा इनटू वी नॉट। तो वी आई हमारा क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी नॉट, जहां पर बीटा हमारा पॉजिटिव होगा इफ वी आर यूजिंग द पॉजिटिव फीडबैक, और बीटा हमारा नेगेटिव होगा इफ वी आर यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज हो जाएगी वी एस माइनस बीटा वी नॉट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।
जब लास्ट क्लास में हमने इसके लिए वोल्टेज गेन निकाला था, तो वहां पे भी हमारा डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस ए बीटा जो है वो 1 प्लस ए बीटा हो गया था व्हेन वी वर यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के केस में जो हमारा बीटा होता है दैट इज नेगेटिव. सो ये हमारा हो गई इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज. नाउ व्हाट विल बी द करंट इन द इनपुट सर्किट. हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो वी आई है और जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है वो जेड आई है. तो हमारा इनपुट सर्किट में करंट कितना होगा, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट इम्पीडेंस, वी आई अपॉन जेड आई. वी आई हमारा क्या है, वी एस माइनस बीटा वी नॉट. सब्सटीट्यूट दी वैल्यू. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट आई आई इंटू जेड आई इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी नॉट, और दिस इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा इंटू ए इंटू वी आई. ये हमारे पास कहाँ से आया, यूजिंग दिस रिलेशन, ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन पुट वी नॉट एज बीटा, we can put V naught as A into VI. So we have II into ZI is equal to VS minus beta into A into VI. Next, VS हमारा कितना हो गया, II into ZI plus beta into A into VI. यहां से हमारे पास VS आ गया इस फॉर्म में. Next, this can be written as this is equal to II into ZI plus beta A into VI. को हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, VI को we can write as II into ZI. तो substitute VI as II into ZI here. So what we'll get now, from this we can take II into ZI common. So VS हमारा कितना आ गया, VS जो है this is equal to II into ZI into 1 plus A beta. Now what will be the input impedance in the presence of feedback? Let's say in the presence of feedback, input impedance is denoted by Z with a subscript IF. I is denoting input, F is representing feedback. So ZI jo hai, this is the input impedance in the absence of feedback. ZIF jo hai, this is the input impedance in the presence of feedback. So ye kya hoga hamara, the ratio of the input voltage to the input करंट. हमारी इनिशियल इनपुट वोल्टेज कितनी थी, वी एस, इनपुट करंट कितना है, आई आई. तो इनपुट इम्पीडेंस हमारा यहाँ से क्या आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक वी एस अपॉन आई आई इज जेड आई इंटू वन प्लस ए बीटा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है इट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. Similarly, for a positive feedback, हमारा input impedance क्या हो जाएगा? This will be ZI into 1 minus A beta. क्यों? Because positive feedback में beta जो है हमारा वो positive होता है. तो जो हमारी effective input voltage थी, यहाँ पर अब negative की जगह जो है positive आ जाएगा if we will be using the positive feedback. और उस case में जब हम input impedance निकालेंगे, तो वहाँ पर minus का sign आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम नेगेटिव फीडबैक जो है वो यूज कर रहे हैं इन दी वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, तो उस केस में जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है इट इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा फ्रॉम दैट विदाउट फीडबैक. और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं उस केस में जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है इट बिकम्स जेड आई इंटू 1 माइनस ए बीटा. और एम्पलीफायर के लिए हमें यही कंडीशन चाहिए कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा हो और आउटपुट इम्पीडेंस कम हो, हमारी जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो कम हो और जो रिवर्स बायसिंग है वो ज्यादा हो. और हमने देखा नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हमारी बढ़ रही है. कितने अमाउंट से बढ़ रही है, बाय 1 प्लस ए बीटा. नाउ नेक्स्ट इज विद शंट वोल्टेज फीडबैक. Now, इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो दी वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन. ठीक है, नाउ दिस इज द वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन. यहाँ पर जो एम्पलीफायर है उसका गेन कितना है, ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई आई. एक इस चीज का ध्यान रखना है इस डेरिवेशन में. अब हम इनपुट इम्पिडेंस निकालेंगे फॉर द केस ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर.
ठीक है, और यहाँ पर हमारा फीडबैक फैक्टर क्या होगा, दिस इज आई एफ अपॉन वी नॉट, तो आई एफ हमारा होगा बीटा इंटू वी नॉट. नेक्स्ट, अब हमारा जो इनपुट करंट है आई, दैट विल बी इक्वल टू आई आई प्लस आई एफ, ठीक है, वेयर आई एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट. इस चीज का ध्यान रखना है अब इस डेरिवेशन को करने के लिए. तो यहाँ पर देख लो, बीटा इज आई एफ अपॉन वी नॉट, यही एक्सप्रेशन यहाँ यूज कर रहे हैं, बीटा इज आई एफ अपॉन वी नॉट, वेयर आई एफ जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक करंट. सो व्हाट विल बी द इनपुट इम्पीडेंस नाउ, इट दिस विल बी द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट. लेट्स से वी आई जो है हमारी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट हमारा कितना हो गया, द टोटल इनपुट करंट आई आई प्लस आई एफ, वेयर आई एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर. अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको डिवाइड करेंगे बाय आई आई. ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, वी आई अपॉन आई आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इनटू वी नॉट अपॉन आई आई. नाउ वी आई अपॉन आई आई हमारा क्या होगा, दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस जेड आई विदाउट फीडबैक. ठीक है, ये हमने पहले लिखा था, देखो आई आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन जेड आई, फिर जेड आई जो है दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक, जेड आई एफ यहाँ पर क्या है हमारा इनपुट इम्पीडेंस विद वोल्टेज शंट फीडबैक. नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा वी नॉट अपॉन आई आई क्या है, दिस इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. देखो यहाँ पर बीटा हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा क्या है, दिस इज वी नॉट अपॉन आई आई. तो यहाँ से हमने कौन कौन से एक्सप्रेशन का यूज किया, ये एक ये एक्सप्रेशन का यूज किया, एक ये एक्सप्रेशन का यूज किया और एक इस एक्सप्रेशन का यूज किया. ठीक है, तो अब हम रिप्लेस करेंगे V naught upon I I को as A, where A is representing the gain of the amplifier. So what is the input impedance now? Z I F हमारा हो गया Z I upon 1 plus A beta. इसका मतलब क्या है, अगर हम voltage shunt feedback use करते हैं तो उस case में input impedance जो है हमारा वो decrease हो जाता है by the same factor 1 plus A beta. ठीक है, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक में जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ जाता है बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, और वोल्टेज शंट फीडबैक में जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी, जो सीरीज फीडबैक कनेक्शंस होते हैं दे इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस, और जो शंट फीडबैक कनेक्शंस होते हैं दे डिक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस. ठीक है, जो हमारे सीरीज फीडबैक कनेक्शंस है दे इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस, और जो हमारे शंट फीडबैक कनेक्शंस है दे डिक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस. नाउ अब हमने इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस पढ़ लिया, यहाँ पर हम इम्पीडेंस वर्ड यूज करते हैं, हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम इसको जेड से डिनोट कर रहे हैं, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इम्पीडेंस. नेक्स्ट वी विल सी द आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक. हर जगह इम्पीडेंस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ये गलत है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इम्पीडेंस. अब हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे, इनपुट इम्पीडेंस हम निकाल चुके हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट इम्पीडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक, यहाँ पर हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक रखेंगे. नाउ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम आउटपुट इम्पीडेंस डिस्कस करते हैं उसमें हम एक अजम्पशन जरूर लेते हैं दैट वी एस इज इक्वल टू जीरो. हम जो इनपुट है उसको शॉर्ट कर देते हैं, वी एस जो है उसको हम कंसीडर करते हैं जीरो व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, चाहे वो वोल्टेज सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, करंट सीरीज हो, चाहे करंट शंट हो, चारों ही केसेस में जब भी हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं उस केस में हम जो इनपुट है उसको शॉर्ट करते हैं, दैट मींस वी कीप वीएस इज इक्वल टू जीरो. और ये हम क्यों करते हैं, जस्ट टू ईज डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सिस्टम को. ठीक है, तो अब इसको हम स्टडी करेंगे कि आउटपुट इम्पीडेंस हम कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट वी विल सी द सर्किट,
ये हमारा सर्किट है वोल्टेज सीरीज फीडबैक का। अब हमें आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है, तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे इस तरीके से। सो हमारा जो वी एस हो जाएगा नाउ दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन आउटपुट इम्पीडेंस, फर्स्ट रेफर टू दिस सर्किट। ठीक है, नाउ इन दिस सर्किट वी आर कंसीडरिंग द इंटरनल इम्पीडेंस एट द एम्पलीफायर आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं द इंटरनल इम्पीडेंस एट द एम्पलीफायर आउटपुट टर्मिनल, लेट इट बी डिनोटेड बाय जेड नॉट। जब हमने ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहां पर हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आउटपुट इम्पीडेंस निकाला था। ठीक है, सो दैट इज हमारा आउटपुट इम्पीडेंस, वो क्या था हमारा, वो हमारा इम्पीडेंस था एक बीजेटी कलेक्टर टर्मिनल का। ठीक है, तो वही जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जेड नॉट। जब भी हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं तो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि वी एस जो है वो हमारा जीरो होगा, और एक एजम्पशन हम और लेते हैं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस आर एल है इट टेंड्स टू इंफिनिटी। हम ये दो एजम्पशंस कंसीडर करते हैं, वन इज वी एस इज इक्वल टू जीरो, अनदर वन इज आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी। चाहे हम वोल्टेज सीरीज कर रहे हैं, चाहे वोल्टेज शंट कर रहे हैं, करंट सीरीज कर रहे हैं, करंट शंट कर रहे हैं, सब में हम ये assumptions लेते हैं, ये तुम्हें consider करना ही करना है। तो क्या होगा, input को हमने short कर दिया such that Vs is zero, और output क्या है, इसको हमने open रखा इस तरीके से। ठीक है, so RL जो है because it is tending to infinity, तो हमारा इस तरीके से circuit हो गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है output impedance for this voltage series feedback। ठीक है, so for this we are considering the internal impedance at the amplifier output terminal, let it be Z naught। input terminals जो है हमारे they are short circuited, so that VF जो है this is the only वोल्टेज एट द एम्पलीफायर इनपुट। हमारा पहले वी आई क्या था, वी एस प्लस वी एफ, अब हमारा वी आई क्या हो गया, इट विल बी सिंपली वी एफ, एंड वॉट वी आर यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक। तो वी आई हमारा क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बीटा वी नॉट, बिकॉज वी नो फॉर नेगेटिव फीडबैक बीटा इज नेगेटिव। सो वी आई हमारा होता है वी एस प्लस बीटा वी नॉट इन जनरल। वी एस अब हमारा नहीं रहा बिकॉज इनपुट टर्मिनल जो है उनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं, तो वी आई हमारा होगा माइनस बीटा वी नॉट, और यू कैन से दैट वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ, वेयर वी एफ इज बीटा वी नॉट। ठीक है, तो अब हमारा जो वी एफ है, नाउ दिस इज द ओनली वोल्टेज एट द एम्पलीफायर इनपुट। जो आउटपुट इम्पीडेंस है हमारा विदाउट फीडबैक, दिस इज दिस जेड नॉट। ठीक है, दिस जेड नॉट इज रिप्रेजेंटिंग नाउ द आउटपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक, विच इज बेसिकली द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द बीजेटी कलेक्टर टर्मिनल। नाउ जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, इट प्रोड्यूसेस द फीडबैक वोल्टेज वी एफ, एंड दिस जनरेट्स अ वोल्टेज ए इंटू वी एफ इन सीरीज विद जेड नॉट। So voltage drop around the output circuit of the voltage series negative feedback amplifier will be, वो अब हम यहां देखेंगे, it will be given by this expression V is equal to I Z naught plus A into V I, where V I is equal to minus V F। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है मैं तुम लोगों को यहां पर दिखाती हूँ इस फाइल में। ठीक है, एग्जाम में इसको यहां से करना, और जो मैंने बोला है अभी हो सके तो उसको लिखना एग्जाम में। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है विदाउट फीडबैक, लेट इट बी जेड नॉट। जेड नॉट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जेड नॉट जो है दिस इज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द बीजेटी कलेक्टर।
टर्मिनल, ठीक है, और यू कैन से दैट दिस इज द इंटरनल इम्पीडेंस एट द एम्पलीफायर आउटपुट टर्मिनल विच इज विदाउट फीडबैक. नाउ अब हमने फीडबैक लगाया. फीडबैक लगाने से क्या होगा, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है वो प्रोड्यूस करेगी फीडबैक वी एफ. ठीक है, वी एफ हमारा कितना है, वी एफ जो है दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट. वी एफ हमारा है बीटा इंटू वी नॉट. वी आई हमारा क्या है, वी एस प्लस वी एफ, और यू कैन से दैट वी एस माइनस वी एफ इफ वी आर यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, बिकॉज नेगेटिव फीडबैक में बीटा हमारा नेगेटिव होता है. हमने इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करा, वी एस हमारा जीरो हो गया, तो हमारा इक्वेशन आ गई वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा V naught. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आउटपुट सर्किट ऑफ द वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. दैट मींस व्हाट विल बी नाउ द टोटल आउटपुट वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल सिंपली बी इक्वल टू I naught into Z naught प्लस AVI where VI is equal to minus VF. So V naught is simply I naught into Z naught minus A into VF. ठीक है, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है इट विल प्रोड्यूस द फीडबैक वोल्टेज वी एफ एंड दिस जनरेट्स अ वोल्टेज ए वी एफ इन सीरीज विद जेड नॉट. जेड नॉट की करस्पॉन्डिंग हमारी वोल्टेज कितनी हो गई, आई नॉट इन टू जेड नॉट. आई नॉट इज द आउटपुट करंट. अब इसके साथ सीरीज में एक और वोल्टेज एड हो गई, दैट इज ए टाइम्स वी एफ, और यू कैन से दैट ए टाइम्स VI, where VI is minus VF. अगर मैं कहती हूँ इसके साथ I naught into Z naught के साथ एक टर्म इन सीरीज एड हो गई विच इज AVF, तो हम इसको लिखेंगे I naught into Z naught minus AVF. अगर मैं कहती हूँ I naught into Z naught के साथ एक टर्म सीरीज में एड हो गई विच इज A into VI, तो हम लिखेंगे I naught into Z naught plus AVI. अगर मैं इसको VF के टर्म्स में लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ लिखना होगा माइनस A into VF. ठीक है, नाउ वॉट इज वी एफ, वी एफ इज बीटा इंटू वी नॉट. सो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ गई आई नॉट इंटू जेड नॉट माइनस ए बीटा वी नॉट. सो वॉट इज वी नॉट, दिस विल बी, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो वी नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस ए बीटा, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट इनटू जेड नॉट. नाउ व्हाट इज वी नॉट, ये अब हमारी नेट आउटपुट वोल्टेज है. दिस इज द नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आउटपुट सर्किट ऑफ द वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. ठीक है, और हमारा आई नॉट क्या है, दिस इज द आउटपुट करंट. सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट impedance in the presence of negative feedback, that will be, let's say, ZOF. O is representing output, F is representing feedback. So this will be equal to the ratio of output voltage to the input voltage, output voltage to the output current. हमारा output impedance क्या होगा in the presence of feedback? It will be the ratio of output voltage to the output current. Let it be denoted by ZOF. So is equation say what is V naught upon I naught? This is Z naught upon 1 plus A beta. So हमारे पास final expression क्या आ गई? Z naught F is equal to Z naught divided by 1 plus A beta. इस डेरिवेशन में यहाँ थोड़ी सी चीजें अनक्लियर हैं. मैंने जो तुम लोगों को समझाया है उसी तरीके से लिखना है. ठीक है, वैसा ही सर्किट डायग्राम बनाना. आउटपुट इम्पीडेंस हम जब भी निकालते हैं वी कंसीडर द टू अजम्पशंस. वन इज वी एस इज इक्वल टू जीरो. वी एस इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स है दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड. दूसरी कंडीशन क्या है, आर एल जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमारे पास जेड नॉट एफ जो है ये आ गया. दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द आउटपुट सर्किट विद नेगेटिव फीडबैक. सो दस विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक जो हमारी आउटपुट इम्पीडेंस है इट इज नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट विदाउट फीडबैक बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. So if we are using the negative feedback, जो हमारी output impedance है वो कम हो रही है. This is what we want. We want higher input impedance and lower output impedance. और हमें वही मिल रहा है with the help of negative feedback.
और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बस यहाँ प्लस की जगह हमारा माइनस आ जाएगा, तो z नॉट f हमारा हो जाएगा z नॉट अपॉन 1 माइनस a बीटा फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। और ये साइन में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज फॉर पॉजिटिव फीडबैक बीटा इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव फीडबैक बीटा इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है हमारा खत्म हुआ ये टॉपिक इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इनपुट इम्पीडेंस हमारा आया जेड आई इंटू वन प्लस ए बीटा, आउटपुट इम्पीडेंस हमारा आया जेड नॉट अपॉन वन प्लस ए बीटा। उसके बाद हमने शंट में भी इनपुट इम्पीडेंस निकाली थी, शंट में इनपुट इम्पीडेंस हमारी ये आई थी, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद द डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर्स।